हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी सही हो। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप देख पा रहे हो कि ये MI Max 2 है, जिस पे कि पैटर्न और FRP लगी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप MI Max 2 की FRP UMT से रिमूव कर सकते हो। तो चलिए फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप रीड एंड टूल में जाओ, क्विक फायर 7.6 पे, और फॉर्मेट FS पे जाके आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कर दिया है। तो इसके बाद आपको अपने फ़ोन को ओपन करके EDL पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, जिस तरह से आप ऊपर देख पा रहे हो कि ये EDL पॉइंट पे हमने कनेक्ट करके। और जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो UMT में आप देख सकते हो कि पोर्ट बनते ही प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो प्रोसेस शुरू होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा और आप देख पा रहे हो सामने। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट 1 से 1 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा और ये आपसे पूछेगा कि आपने FRP रिमूव करनी है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें डन हो चुकी हैं और अब आपको फ़ोन पे आके दिखाते हैं। अरे, आप केबल को रिमूव कर दो और बैटरी को लगा दो और उसके बाद आप फ़ोन को डायरेक्टली ऑन कर दो। तो यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा इसका जो ऑन ऑफ का पत्ता था वो प्रॉपरली इस पे लगा नहीं था। अब देख सकते हो कि उसके बाद मैंने इसको जैसे ही प्रेस किया और उसके बाद फ़ोन को जैसे बूट करते हैं तो बूट करते ही हमारा जो फ़ोन है वो बूट अप होने लग चुका है। और जितने में फ़ोन बूट अप होता है उतने में हम इसमें स्क्रू लगा के इसको पैक करके इसको तैयार कर लेते हैं। तो जितने में हमारा फ़ोन बूट होगा उतने में हमारे जो स्क्रू है वो भी लग के इस पे तैयार हो जाएंगे। तो आप देख ही पा रहे हो सामने कि हम स्क्रू इस पे लगा रहे हैं। और अब इस पे हम फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी लगा चुके हैं और अपने फ़ोन को हमने बंद कर दिया है प्रॉपरली। और आप देख भी पा रहे हो कि अभी हमारा फ़ोन बूट हुआ नहीं है, हमारा फ़ोन अभी भी बूट हो रहा है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में जब भी आप हार्ड रीसेट या फ़ोन से पैटर्न रिमूव करते हो तो ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 मिनट फ़ोन ऑन होने पे ले लेता है। तो अभी जो फ़ोन है वो हमारा बूट हो रहा है। आप सामने देख पा रहे हो कि हमारा फ़ोन अभी तक बूट नहीं हुआ है, इसने काफ़ी टाइम ले लिया है बूट अप में। और अब आप देख पा रहे हो कि हमारा फ़ोन बूट हो चुका है और सामने आपको अब MIUI 11 दिखेगी। ये MI Max 2 फ़ोन है जिसकी हमने पैटर्न और FRP रिमूव की है। और हमारे चैनल पे बने रहें और ऐसी ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो आप सामने देख ही पा रहे हो कि हमारा जो फ़ोन है वो मेन जो डिस्प्ले है उस पे आ चुका है और अब हम इसको आगे सेटअप करते हैं। तो आप बने रहे वीडियो में और आप देखते रहें कि किस तरह से हमने इस पे जो सारा काम है वो किया है। और हम अब इसको जिसका फर्स्ट सेटअप है इसको पूरा कर रहे हैं और आपको इसको प्रॉपरली ऑन करके भी बताएंगे। आप देखते रहें वीडियो में कि किस तरह से फ़ोन कितना टाइम लेता है। ये अनकट वीडियो है यहाँ पे, तो
तो आप देख पा रहे हो कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टाइम लेगा वो अराउंड 1 मिनट के आसपास है जो यहाँ पे टाइम लेता है फ्रंट पे ओपन होने के लिए। और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको साथ साथ मिल जाए। और आप देख सकते हो कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है प्रॉपरली। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।